तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमने कल की क्लास में रिकॉर्डिंग माइक्रो और रिकॉर्डिंग माइक्रो कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपना कोड कर सकते हैं, कोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे माइक्रोज बनाएंगे, कैसे फंक्शन करेंगे, उन सबों के बारे में हम बात। सबसे पहले आपको माइक्रोज के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी हो पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर का टैब नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, तो आप फाइल मेनू बार में जाएं, ऑप्शन पे जाएं और कस्टमाइज रिबन में आप हेलो, गुड फाइल मॉर्निंग मेनू सर। बार ओके, को चलिए। गुड मॉर्निंग सर, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी, रिकॉर्ड कर। तो डेवलपर टैब होना चाहिए। दूसरा, आपके डेवलपर टाइप के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी है। ये माइक्रो सिक्योरिटी डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको आप अनेबल कर लें यहाँ पे अनेबल। लेकिन ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपने अनेबल कर लिया तो हो सकता है कि आपको कोई डेंजरस कोड कोई भेजे और आपने उसको ओपन किया और ऑटोमेटिक रन हो जाए। सो इसका ध्यान आप रखें। तीसरा, आपको फाइल को सेव करना है, वो भी एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्क। ये चीजें जो बताया आपको कोडिंग करने से पहले करनी है, क्योंकि माइक्रो अनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव नहीं करेंगे तो आपके सारे के सारे कोडिंग लॉस्ट हो जाएंगे। तो कोडिंग करने से पहले इन चीजों को ध्यान रखें। उसके बाद यहां हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट Alt F11 होता है, तो एक नई एक्सेल ये आपका विंडो खोलेगा। ये आपका VBE का विजुअल बेसिक एडिटर का विंडोज होता है। इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, अब ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है। अब इसमें देखेंगे यहाँ जो आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है, हो सकता है कि आपको ना दिखे, हो सकता है दिखे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल आर का एक शॉर्टकट है, प्लेस करेंगे या फिर व्यू में जाके आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। दूसरी जो विंडो लानी है वो F4 से लानी है, प्रॉपर्टीज विंडो। यहाँ तो दो विंडो आ चाहिए आपको नेविगेट करने के लिए। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जितने भी फाइल ओपन है उनका लिस्ट आपको दिखेगा। जब दो फाइल ओपन कर रखा है तो वर्कबुक वन वर्कबुक टू, यहाँ पे वर्कबुक वन और वर्कबुक टू आपको ओपन दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ इगो टूल और सॉल्वर क्यों है। बेसिकली ये हमने एडिंस ऐड किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एडिंस होता है वो एडिंस को ऐड किया हुआ है, तो वो उसकी भी कोड आपको यहाँ पे हो जाती है। तो इसको छोड़ना छेड़ना नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब जैसे यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, सब मान लीजिए आप मुझे बुक वन में कोडिंग करनी है तो बुक वन को यहाँ से एक्सपैंड करें, तो बुक वन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शीट्स होंगे वो शीट का लिस्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। लेकिन आपको सीट कोडिंग कहाँ करनी है, क्या सीट वन पे डबल क्लिक करने पे जो विंडो आती है इसको कोड विंडो कहते हैं उस पे करनी है, या सीट टू पे, या दिस वन? देखिए इस पे आपको कोडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। इस पे जो कोडिंग होती है वो कोडिंग होती है इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, और इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग हम जब पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल इसको स्किप कर। तो कोडिंग करेंगे कहाँ, इसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम कोड को मॉड्यूल में ही क्यों करेंगे, क्योंकि आप रिकॉर्ड माइक्रो भी करते हैं तो एक मॉड्यूल ही क्रिएट करता है। इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्टॉप कर दिया, तो देखिए इसने एक मॉड्यूल टू क्रिएट किया। तो रिकॉर्डिंग भी जब होती है माइक्रोज तो आपके मॉड्यूल्स के अंदर ही अपने कोड को रखता है, और आप जब करते हैं कोडिंग तो भी आपको मॉड्यूल के अंदर ही रखना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जैसे आपने सीट वन के ऊपर कुछ कोड कर दिया और किसी ने सीट वन को डिलीट कर दिया तो आपका कोड तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सीट वन की प्रॉपर्टी में कोड रखा होगा। पहली चीज।
दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कि आपका सीट को नहीं डिलीट नहीं करता है कोई, तो क्या हुआ कि एक सीट से दूसरे सीट के अंदर जो ये है चीजें हैं उसको आप कैरी नहीं कर पाएंगे। जब कि आपको सीट वन से डेटा लेना है, सीट टू पे लेना है, या जो आप उधर फाइल्स लेना है, तो आप कैरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम मॉड्यूल्स के अंदर ही कोड करते हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर सबसे पहले आपको मायक्रोड डिक्लेयर करना होगा। तो कल आपने देखा था कि मैंने सब लिखा था और फिर हम स्पेस देके मायक्रोड के नेम लिखे। तो सब या पब्लिक सब दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे अपना कोड दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर मारिए तो एंड सब ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है इनके बीच में ही कर, मुझे एक मिनट दीजिएगा। सॉरी सर, तो यहां हम जो है पास जो आता है टेस्ट टुडे हमने किया सब लिया। अब देखेंगे बाहर यहाँ पे मैक्रोज में, आप यहां पे देखिए टेस्ट का नाम का मैक्रोज है, ठीक है जमुना जी। तो आपको जो भी कोड करेंगे यहां पे आ जाएगा, राइट। राइट। लेकिन मैक्रो नेम जो आप देते हैं ना उसमें आपको एक नियम है उसका, जैसे कि नेम के बीच जैसे टेस्ट टुडे, ये मैक्रो नेम आपका सेट नहीं है। किसी भी मैक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का डॉट डैश जो स्पेसिफिक वेक्टर होते हैं ऐसे स्पेसिफिक वेक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ अंडरस्कोर आप लगा सकते और मैक्रो के अंदर में एक नाम के दो मैक्रो एक मॉड्यूल में एक्सेप्ट नहीं गया। मॉड्यूल अलग है तो चलेगा, फाइल अलग है तो चलेगा, लेकिन एक नाम के दो मैक्रो आपको नहीं लिखना है। तीसरा आपको थ्री करेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिखना है। राजवन राजवन मैक्रो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उसको आप रन ही नहीं कर पाएंगे। इस पे क्लिक करते ही आप देख राजवन पे पहुंच गए क्योंकि राजवन नाम का रेफरेंस होता है, एक रेंज होता है। तो हमने तीन करेक्टर क्यों बोला, क्योंकि एक्स एफ डी तक है तो तीन करेक्टर है, इसलिए तीन करेक्टर का नेम यूज नहीं करेंगे, ठीक है सर। ठीक है सर। ये आपके आगे मैक्रो का नेमिंग मेथड कि आप मैक्रो नेम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो कोड करना है वो कोड जो होगा सब और एंड सब के बीच में, याद रखिएगा जो भी कोडिंग करनी है। और कोडिंग जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। ये जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया देन टाइप किया, तो वीवी कोड में भी आपको इसी तरह से क्लिक करना और टाइप करना। सीट वन पे चले आपने, सीट वन पे गए और सीट वन पे जाने के बाद फिर आपने रेंज वन पे गए। अब डायरेक्ट मान ले सीट थ्री के ए वन पे जाना है तो डायरेक्ट आप सीट थ्री के ए वन पे तो नहीं जा सकते ना। सीट थ्री के ए वन पे जाने के लिए पहले आपको सीट थ्री पे एक्टिवेट करना होगा देन ए वन पे जाना पड़ेगा, क्या जमना जी। तो इसी स्टेप को फॉलो करना होता तो उसके लिए आपको तैयार करना होगा अपना एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक छोटा सा काम करना है तो हमने उसका स्टेप यहां तैयार करते हैं। इसको नोट पैड पे आप आराम से तैयार कीजिएगा कि स्टार्ट मतलब कि डिक्लेयर द माइक्रो, यहां पे हमने लिखा क्रिएट न्यू वर्क बुक, फिर हमने यहां पे लिखा सेव एज 1 2 3 डॉट एक्सएलएस इन d/21 एड न्यू शीट रिनेम डेटा सेलेक्ट a1 एंटर नेम सेलेक्ट बी वन एंड एंटर सीट
सिटी, सेलेक्ट सी वन, एंटर अमाउंट, और हमने यहां पे एड कर दिया। तो ये एल्गोरिथम है, मतलब कि इस तरह का स्टेप वाला माइक्रो, इस काम का माइक्रो तैयार करना है। तो जो काम है माइक्रो तैयार करना, उसका आपने स्टेप जो है लिख लिया। तो मैंने यहां पे एक्सेल पे लिखा है, बट आप उसको आराम से किसी नोट पैड में लिखेंगे। अब इसकी बिहाव से हम अपना कोडिंग शुरू करेंगे। तो मैं कोडिंग शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट हमने माइक्रो डिक्लेयर कर लिया, राजवन नहीं लगा तो मैं अंडरस्कोर लगा देता हूं। क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। अब यहां पे पहला वर्ड देखिए, एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में आपके पास चार मेन कोड होते हैं। पहला आपका आता है एप्लीकेशन, दूसरा आपका आता है वर्क बुक्स, तीसरा आता है शीट्स, और चौथा आता है रेंज। जैसे एक्सेल में हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो आप जानते हैं कि मोस्टली वो सेंटेंस हमारा नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, राइट? उसी तरह से एक्सेल के अंदर में कोई भी जो कोड है वो मोस्टली, हर कोई तो नहीं बट मोस्टली इन चारों से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट ए नई वर्कबुक, तो हमारा वर्कबुक से रिलेटेड वर्क है, तो हम वर्कबुक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड। अब आता है कि उस वर्कबुक को सेव करना है। जो वर्कबुक को सेव करने का कोड तो कुछ और है, लेकिन जो वर्कबुक एड हुआ है वही एक्टिवेट होता है। तो हमने सिचुएशन को देखा और हम यहाँ पे लिखा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहां पे कहां डालना है तो डी ड्राइव के अंदर 2021 और 123.xlsx। अब बोलता है नई सीट ऐड करना है, तो ये सीट से रिलेटेड वर्क है, तो हम सीट ऑब्जेक्ट से अपना कोड शुरू करेंगे। यहां लिखेंगे कि सीट्स डॉट एड, और हम उसको रिनेम करना है डेटा से। तो सीट को रिनेम करने का तरीका तो और है, लेकिन हम यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं कि जो सीट ऐड हुआ है वही एक्टिवेट हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। उसके बाद बोला है सिलेक्ट ए वन, तो यहाँ पे क्या होता है A1 B1 मतलब कि किसी रेफरेंस से एक सेल एड्रेस से बात हो रही है, तो सेल एड्रेस को BVA में रेंज का रेंज के जरिए जाना जाता है। तो यहां हम लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, क्योंकि हमें सेलेक्ट A1 करना है, फिर उसके अंदर नेम लिखना है। तो जो सेलेक्ट हुआ है वो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। नेम एक टेक्स्ट है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। और इस कोड को तीन बार रिपीट करना है, तो इस कोड को हमने तीन बार रिपीट कर देते हैं। बस इसमें A1 के जगह पे B1 और C1 कर देते हैं, और रोल नंबर यहाँ पे नेम के जगह पे सिटी, और यहाँ अमाउंट कर देते हैं, राइट? जमानी समझ में आ रहा है आपको? Yes. तो आपने क्या देखा, हमने एक सीड, हमने यहाँ पे सीड वर्कबुक रेंज को लिया। तो कब कौन सा लेंगे वो समझ में आ गया आपको, कि आपका एल्गोरिथम जो है अगर वर्कबुक से रिलेट कर रहा है तो हम वर्कबुक लेंगे, अगर वो सीड से रिलेट कर रहा है तो हम सीड लेंगे, अगर वो रेंज से रिलेट कर रहा है तो रेंज लेंगे, एप्लीकेशन से रिलेट कर रहा है तो एप्लीकेशन लेंगे। जैसे कि मुझे इसकी अलर्ट चेंज करनी है, मुझे इसकी डिस्प्ले चेंज करनी है, अपडेट होता है डिस्प्ले वो चेंज करना है, तो ये जो चीजें होती है वो एप्लीकेशन का पार्ट होता है। मतलब उसमें किसी एक फाइल का मतलब नहीं होता, वो एप्लीकेशन का पार्ट है। तो एप्लीकेशन पार्ट को हम एप्लीकेशन के जरिए हैंडल करेंगे। ओके ओके सर, आया समझ में आप लोगों को? जी जी समझ में आया सर। अब आपको इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमुना जी एंड राशिद जी,
कि आप एल्गोरिदम को पहले प्रैक्टिस कर लें। देखिए एल्गोरिदम पे ही डिपेंड करता है आपका कोड कितना सटीक होगा और कितना जल्दी आप कोड को लिखेंगे। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जैसे यही पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे सेव एज का लाइन बाद में लिखा, क्रिएट के पहले लिखा, राइट? अगर आप क्रिएट, आपको अगर पता नहीं होता है एकदम, आप नहीं बनाए होते तो आप क्या करते, कोड सेव एज के ऊपर लिख देते, वर्कबुक एड नीचे लिख देते, गलत हो जाती है ना। तो स्टेप कंडीशंस जो क्या लगाना है इसको एबोरेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कोई काम बता, आपका अपना कोई काम है तो चलो आप उसको डेली यूज करते हैं, उसके हर एक स्टेप से, हर एक प्रॉब्लम से वाकिफ है, तो उस पे इस तरह की एल्गोरिथम बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले से किसी और ने आपको काम दिया है जो कि ये पहली बार है आपके पास, इससे पहले कभी नहीं किया आपने, बिल्कुल तो उसको समझना पड़ेगा ना। अब उसने बता दिया आपको तो क्या लग रहा है कि वो एक तो स्टेप बाय स्टेप तो बताएगा नहीं, उसको क्या पता स्टेप क्या होता है, वो क्या पता कि भाई कोड के लिए पहले हमें वर्कबुक क्रिएट कर फिर एक्टिव वर्कबुक बनाना है। वो तो सीधे बोला कि एक फाइल बना लेना न्यू वर्कबुक के नाम, ए 1 2 3 के नाम से, डी में सेव कर देना। क्या सर, एक चीज पूछना है जी? मुझे। अगर हम आप जैसे बोले ना अभी कि पहले हमको उसको सेव करना है, तो अगर हम वो ना करके उसका एंड में वो डालें, क्या मतलब कोड, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सेव ही नहीं होगा या क्या नहीं, देखिए होगा? क्या हुआ कि जैसे कि आपने कोड जनरेट किया, राइट, तो आपको वर्कबुक सेव किया, ये सेव हो गया, ये तो वर्कबुक क्रिएट हुआ है, राइट ना। अब आगे चल के क्या होगा कि आपको इस वर्कबुक पे बहुत सारा काम करना, मान लीजिए कि 5 फाइलें हैं, तो आपने एक नई फाइल बनाई, उसमें डेटा कॉपी किया, फिर दूसरे फाइल से डेटा लिया, फिर कॉपी किया, तीसरे फाइल से लिया, भी कॉपी किया, तो हर बार आपको उस फाइल पे आना पड़ेगा ना। तो आने के लिए उस फाइल का नाम जानना जरूरी है ना, क्योंकि जब वर्कबुक ऐड होगा तो बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 5 कोई भी नाम दे सकता है, समझे? तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया तो हमने एक नाम डिक्लेयर हो गया और मुझे पता चल गया कि फाइल क्रिएट होने के बाद उसका नाम 1 2 3 होगा, राइट? उसके बाद मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, तो मुझे पता है कि 1 2 3 पे वापस आना है। दूसरी चीज कि यहाँ सेव हो जाने से ऐसा नहीं कि आपका डेटा सेव है, नहीं, अगर इस डेटा को सेव करना है तो वापस वर्कबुक को सेव करना होगा, ठीक है? यहां अब सिर्फ सेव नहीं होगा, सेव एज नहीं होगा, सिर्फ सेव होगा, समझे? एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, क्लियर है? तो बिल्कुल आपके जो नॉर्मली स्टेप है ना उसी स्टेप से चलता है। जैसे आप टाइप करने के बाद सेव करते हो ना, आपने पहले सेव कर दिया और टाइप किया, तो जब सेव किया तब तक का डेटा सेव होगा ना, उसके बाद का डेटा सेव थोड़ी होगा। तो सेम चीज यहाँ पे वर्क करता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टेप्स पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें कि आप जो ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाते हैं, 2 4 5 रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसकी पूरी स्टेप को तैयार करें। अब जरूरी नहीं कि आप एक्सेल पे वर्ड पे तैयार करें, आप नोटपैड पे तैयार करके फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। जहां पे मुझे लगा कि ये स्टेप आपने गलत लिखा है, मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है ना? तो 4 5 फाइलों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आगे चल के जब भी आप कोई माइक्रो बनाएंगे तो पहले उसका स्टेप नोटपैड पे लिखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद बनाएंगे, समझ गए? तो समझिए। इसकी प्रैक्टिस कर ले और हम अब इसको आप जब रन करें तो आउटपुट क्या आएगा सर इसका? सेम आउटपुट आएगा जो मैंने दिया हुआ है। अच्छा, तो वो शो करके बताएंगे या फिर? 1 मिनट, मुझे पाथ देना, देखना होगा, मैंने ऐसे ही पाथ लिख दिया है, डी ड्राइव में 1 2 3 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा 21, ठीक है? अब देखिए हमने इसको रन कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ 1 2 3 नाम का फाइल ओपन है, क्योंकि तो हमने फाइल क्लोज करने का कोड तो नहीं दिया है ना अभी तक। और डी ड्राइव के ई इसमें जाइए, देखिए 1 2 3 आ गया,
बिल्कुल सर, और इस 1 2 3 में आप देखेंगे कि A1 पे नेम है, V1 पे सिटी सिटी है, है, C1 पे अमाउंट। माउंट है, मैं माउंट। ओके ठीक ठीक है, है सर। सर हाँ बोलिए। हाँ हेलो, एक्चुअली सर वो थोड़ा एक 5 10 मिनट्स 8 10 से स्टार्ट कर सकते हैं सर क्लास, क्योंकि वो थोड़ा मैं नमाज से तक देर हो जा रहा मुझे 5 10 मिनट, क्योंकि विंटर है ना। 5 मिनट हम दे सकते हैं सर, 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, ओके रहेगा, क्योंकि चलिए ओके रहे, सर क्या है, 8:45 पे फिर अनदर क्लास है ना, इसलिए सर। कोई मुश्किल नहीं। 8:05 को सर। ओके ओके बाय।